नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, पाइपलाइन ब्लॉकेज बहुत बड़ी समस्या है जो कि हर कस्टमर लगभग कस्टमर के पास ये समस्या रहती है हर कस्टमर के पास। एंड हम वाटर टैंक क्लीनिंग स्पेशलिस्ट हैं, हम वाटर टैंक क्लीनिंग क्लीनर्स हैं, तो हमारे पास ये समस्याएं आती रहती हैं कि सर हमें पाइपलाइन क्लीनिंग करवाना है, हमारा पाइपलाइन ब्लॉक हो गया है, टोटी से कम पानी आ रहा है, उसको कैसे क्लीनिंग करना है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए ही है, आपको ये वीडियो पूरी अंत तक देखनी चाहिए। और हमने ये टेक्निक मंगाई है और आपको भी इसके साथ में सारी जो भी एक्सेसरीज मैंने मंगाई है उसका रिव्यू मैं आपको बाद में दूंगा। मैंने अलग से और भी एक्सेसरीज मंगाई हैं। फिलहाल आप ये पाइपलाइन क्लीनिंग का हॉस पाइप देखिए और इसके साथ में जो गन अलग से आई है वो भी देख सकते हैं। और इसका टोटल रेट और बाकी चीज़ें मैं भी आपको क्लियर करूंगा, सेलर का कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा, इसको कैसे ये कैसे वर्क करता है, कैसे इसमें किस तरीके से काम करना है, सारी कुछ जानकारी इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, क्या होता है कि टोटी से पानी कम आता है और सबसे गंभीर समस्या है दोस्तों ये। और कभी कभी क्या होता है कि हमें इसमें टाइल्स वगैरह जो भी अंदर फिटिंग होती है उसको तोड़वाना भी पड़ता है। तो उसके लिए दोस्तों हमें हमेशा जो भी टंकी है उसको 6 महीने में हमेशा साफ़ कराते रहना चाहिए। और साथ में पाइपलाइन ब्लॉकेज के लिए जो भी अगर लोकल में कोई क्लीनिंग करने वाला हो तो उसको 6 महीने 1 साल पर ज़रूर क्लीनिंग कराते रहें, क्योंकि जब टंकी गंदी हो सकती है तो पाइपलाइन भी गंदी हो सकती है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, हमारे पास अवेलेबल हो चुका है पाइपलाइन क्लीनिंग का होस पाइप। ये दोस्तों हमें वाटर टैंक क्लीनिंग करने वाले जो भी भाई लोग हैं उनके पास प्रेशर वॉशर वाली मशीन तो होती ही होगी, सेम उसी में सारी कुछ चीज़ अटैचमेंट्स करनी है। और ये इसमें कैसे वर्क करता है ये भी मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए गन में ये ऑलरेडी फिट हो गया है और हमने इसको फिट कर दिया है और अभी आप देख सकते हैं ये इस तरीके से है। दोस्तों, अभी आप इसको सोचोगे कैसे यूज़ करना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमने छत पे इसको ला के रख दिया है और ये 7 से 8 मीटर इसका होस पाइप है। और इसको पाइपलाइन क्लीनिंग के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसको ऐसे इस्तेमाल किया जाता है कि एयर पाइप हो गया या फिर आप कोई भी टोटी खोल के, ठीक है, इसको पाइप जो अपना टोटी नल का पानी होता है जहाँ से जिस पाइप से आता है उस पाइप में इस पाइप को डालना होता है। ठीक है, यहाँ पे इस होस पाइप को डालना होता है और इसके लिए हमें स्पेशली प्रेशर वॉशर की ज़रूरत पड़ती है और गन जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पर ये आगे इस तरीके का स्प्रिंग टाइप का लगा होता है कि ये हर मोड़ पर आसानी से क्लीनिंग कर देता है, कहीं ऐसा फंसने वाला दिक्कत नहीं रहता है। ठीक है, इस तरीके से देख सकते हैं टी पॉइंट पर भी आसानी से क्लीनिंग कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा टोटल 7 से 8 मीटर का है और ये गन भी हमें उसके साथ में अलग से लेना पड़ेगा क्योंकि इसका जो कनेक्टिंग पॉइंट है वो हर गन में नहीं कनेक्ट होगा, तो इसके लिए हमें गन भी खरीदना पड़ेगा। और इसका भी जो हमें कनेक्टर है वो होस पाइप का, इसका भी होस पाइप हमें अलग से खरीदना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, इसमें टोटल ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये गन भी काफ़ी तगड़ी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसको पाइपलाइन क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ में एक और आपको मिल जाएगा, ठीक है, आगे जो नोजल लगता है वो भी मिल जाएगा। ठीक है, वो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। ठीक है, इस तरीके से इसमें फिटिंग कर देते हैं और इसको प्रेशर वॉशर में भी फिट किया जाता है। प्रेशर वॉशर से ये आगे नली में जो है प्रेशर काफ़ी तगड़ा होता है, जैसे जितना तगड़ा आपका मशीन होगा प्रेशर वॉशर होगा उतना अच्छा ये प्रेशर देगा और उतनी अच्छे से ये आगे क्लीनिंग करते जाएगा। ठीक है, ये पूरा फड़फड़ाता है। डिटेल वीडियो मैं आपको जल्द दे दूंगा, ठीक है, इसको क्लीनिंग करके दिखा के मैं कर दूंगा। अभी फिलहाल आप ये देख सकते हैं और आप ये सेलर से कॉन्टेक्ट करके मंगा भी सकते हैं, मैं आपको सेलर का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो ये बात है। पहले दोस्तों हम क्या करते थे कि ब्लू स्काई का जो हमारा लिक्विड है उसको हम एयर पाइप में डालते थे, जिससे क्या है कि क्लीनिंग रिजल्ट तो रहता था लेकिन क्या है कि एसिडिक नेचर का लिक्विड होने की वजह से पाइप में जो भी गंदगी रहती थी कभी कभी वो उसमें फूल जाती थी। ठीक है, तो उसके लिए हमें प्रेशराइज करना पड़ता था। ठीक है, वो प्रेशराइज आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप जो मैंने ये टेक्निक बताई है जो होस पाइप आपको ख़रीदने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, जो होस पाइप जिससे आप पाइपलाइन क्लीनिंग कर पाएंगे, वो होस पाइप सिंपली इस एयर पाइप में आपको लगाना होगा। ठीक है, वो प्रेशर उसमें ऑलरेडी प्रेशर वॉशर में फिट करेंगे आप, वो ऑलरेडी एयर पाइप के रास्ते नीचे की तरफ जाएगा। 7 से 8 मीटर मेरा है तो 7 से 8 मीटर तक जाएगा और फिर 7 से 8 मीटर मैं नीचे लगा दूंगा। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। और इस तरीके से हमने पहले प्रेशर करने का प्रयास किया था लेकिन उससे खास कुछ जमता नहीं है। ठीक है, इस तरीके से भी, लेकिन हाँ, ये वाला जो होस पाइप वाला तरीका है ये काफ़ी बेस्ट है, आपको भी करना चाहिए। और इसकी फिटिंग इस तरीके से होती है जिस तरीके से इसमें होती है। ठीक है, तो ये फिटिंग वटिंग का वीडियो में भी मैं डाल दूंगा, आप इंटरेस्टेड हो तो एक बार इसमें कॉमेंट जरूर करिएगा। और एयर पाइप में भी लिक्विड भी डालिएगा, ऐसी बात नहीं है, लिक्विड डालिएगा। उसके बाद में ये जो हमने होस पाइप वाला तरीका बताया है, आगे जो स्प्रिंग जैसा लगा हुआ है तो उसको आपको एयर पाइप में सिंपली डालना होता है। तो ये वाला
काम भी आपको करना रहेगा, और इस तरीके से दोस्तों ब्लॉकेज टोटी वगैरह भी खोलना रहेगा, ठीक है, ताकि वो आसानी से पानी जो है निकल जाए और क्लीनिंग बेहतर रिजल्ट रहेगा, ठीक है। तो हर कस्टमर को आप ये भी रिकमेंड कर सकते हो कि पाइपलाइन क्लीनिंग भी काफ़ी आवश्यक है, ठीक है। तो उससे भी आप जैसे अगर मान लो 500 रुपये का आप वाटर टैंक क्लीनिंग करा रहे हो, ठीक है, तो उसमें भाई आप 300 400 500 और ऐड कर दो, उससे क्या है ब्लॉकेज भी अपना जो है वो भी क्लीन हो जाएगा, है ना। तो आप ऐसा कर सकते हैं, और फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फिटिंग किस तरीके से करते हैं, मतलब क्या क्या मशीनें, टोटल फिटिंग मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा गन है, और इसकी फिटिंग में जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे पास प्रेशर वॉशर है। प्रेशर वॉशर की फिटिंग जो भी आप सेलर से कांटेक्ट करके कि आपके पास कौन सा प्रेशर वॉशर है, उसमें होस पाइप की फिटिंग हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, आप बात करके मतलब ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं सेलर का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आपको वैक्यूम क्लीनर और प्रेशर वॉशर और इससे जुड़ी कोई भी ब्रशेज वगैरह, ड्रिल ब्रश की कोई भी ज़रूरत हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सेलर का नंबर मैं आपको दे दूंगा। और काफ़ी अच्छी मशीनें इनकी होती है, और मैंने खुद ऑलरेडी इसमें देखिए ये मशीनें मंगाई हैं, और मतलब ब्रशेज़ वगैरह भी मैंने मंगाई हैं, ब्रशेज़ वगैरह भी काफ़ी ठीक है। फ्लोर क्लीनिंग के ब्रशेज़ हैं इनके साथ में, जो कि मैं अभी इसको इस वीडियो में नहीं क्लियर करने वाला हूं। ये हॉस पाइप उसमें फिटिंग करनी होती है, और आप यहां पे देख सकते हैं स्प्रिंग जैसा ये बना हुआ है, ठीक है। ये मुझे खास बात लगी कि मतलब ये पाइपों में काफ़ी अच्छे से क्लीनिंग करेगा, चाहे वो किचन का पाइप हुआ चाहे जहाँ का पाइप हुआ। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, और डिटेल वीडियो के लिए आप हमें कांटेक्ट करिएगा, ठीक है, या फिर आप कमेंट जरूर करिएगा कि आपको डिटेल वीडियो चाहिए। और बाकी हमने यहाँ पे फ्लोर क्लीनिंग के भी ब्रशेस और आइटम्स मंगा लिए हैं, इसमें भी ये प्रेशर वॉशर का यूज रहेगा, सारी कुछ मतलब टेक्निक बहुत अच्छी है, और ये प्रेशर के माध्यम से पूरी फ्लोर क्लीनिंग होगी। यहाँ पे ब्रश वगैरह जो भी आप देख रहे हो इसमें प्रेशर का भी मतलब काम है, ठीक है। हाँ, तो बस दोस्तों आप अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल विजिट कर सकते हैं, और वहाँ की जो भी वीडियोज़ हैं रिसेंट वीडियोज़ उसको देख सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।